हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप देख टेक्निकल स्टार मार्क यहाँ पे मैं हूँ। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, एंड काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स थे उसके लिए मैं नहीं बना पा रहा, उसके लिए सॉरी। और अभी से आपको लगातार वीडियो मिल रहा था जैसे पहले मिलता था आपको। और ये जो हमने उपवास किया वीडियो नहीं बनाने का, हम ये तोड़ेंगे धमाके से। जी हाँ फ्रेंड्स, धमाके से तोड़ेंगे। और ये धमाका करने वाला है ये, आप तो थंबनेल तो देख ही लिया भाई, लेकिन उसके साथ साथ देख लो, ये धमाका करने वाला है वन प्लस। और ये जो वन प्लस है, हम इसका इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे, एंड उसके साथ साथ जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें कंप्लीट रिव्यू करेंगे, कैमरे से लेकर सब कुछ। तो सब तो आपको पता ही है, लेकिन हम थोड़ा अलग सा डिटेल में करेंगे। और ये रहा वो चीज़ जो कि है वन प्लस नॉट टू 5G। इसका जो चीज़ है भाई अलग सा है, इसका प्राइस सेगमेंट जो स्टार्टिंग है उसमें आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है वन प्लस की तरफ से। एंड इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है अभी के लिए, जो बेसिक वेरिएंट तो है, जो बेस वेरिएंट तो वन प्लस ने नहीं लाया है, वो कब लाएगा, ये वन प्लस का एकदम पिछला वाला हिस्सा है, ये हिस्ट्री है। वो अपना बेस वेरिएंट बहुत देर से लॉन्च करता है, लिमिटेड स्टॉक होता है। तो अभी जो मिल रहा है भाई 30,000 में, ये जो फ़ोन आपको देखने को मिल रहा है, आप इसको ले सकते हो। एंड उसके साथ साथ ये वीडियो एक खास होने वाला है, क्योंकि भाई ऑनलाइन जो 30,000 मिल रहा है, ऑफलाइन भी 30,000 मिल रहा है, लेकिन ऑफलाइन में काफ़ी सारे ऑफर्स है जो कि आपको वन प्लस की तरफ से देखने को मिल रहा है वन प्लस स्टोर में। तो वन प्लस स्टोर में मुझे क्या क्या ऑफर्स मिले वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एंड काफ़ी सारे जो चीज़ें वो आपको मैं दिखाऊंगा। एंड उसके साथ साथ वीडियो को लाइक आपको करना पड़ेगा। जी हाँ, फिर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ये तो आपको करना ही पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ भाई साहब, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके लिए जरूर से आपको वेट करना है, ठीक है। एंड वह जल्दी आ जाएगा, इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे। उसके साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग वीडियो भी आने वाला है, एंड मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ अपने चैनल पे करने के लिए, तो मैं करूँगा, शायद आपको पसंद आ जाए, आपकी भी मैं राय लूँगा। लेकिन यहाँ पे पहले हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, एंड धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट करेंगे, हम अपने जो पहले ले थे हम उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपको भी मैं बोर कर दिया शायद, तो चलिए चलते हैं फटाफट से इस वीडियो को, सॉरी वीडियो को नहीं, इस फ़ोन को अनबॉक्सिंग करते हैं, एंड देख लेते हैं इसमें क्या क्या मिल जाता है, क्या क्या ऑफर के साथ मिल जाता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, एंड वीडियो को पसंद अगर नहीं आए तो भी लाइक कीजिए, एंड वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अनबॉक्सिंग। तो ये रहा हमारा नॉट टू आपके सामने, एकदम रिटेल यूनिट है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ये जो है आपको पैकेजिंग कुछ इस तरीके से देखने को मिला है, पीछे की तरफ आपको सारे स्पेसिफिकेशन है। लेकिन उससे पहले मैं इसको निकालना चाहूँगा, मैं इसको निकाल लूँगा, एकदम अलग से निकल के आ जाएगा, और इसको साइड में रखेंगे। और ये रहा आपके सामने पूरा बॉक्स, बॉक्स कुछ आपको इस टाइप पर देखने को मिलता है, ऊपर नॉट 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 करके लिखा गया है, एंड यहाँ पे आपको वन प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी बढ़िया है। पीछे की तरफ आपको सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे फ़ोन का कलर है जो कि ग्रे से रहा, एंड इसके साथ साथ ये जो वेरियंट है ये 8GB 128GB वाला है। एंड इसको पहले मैं आपको दिखा दूँगा, यहाँ पे जो लिखा गया है पावर्ड बाई MediaTek Dimensity, तो यहाँ पे वन प्लस का लोगो है, एंड काफ़ी सारे और भी चीज़ें दिखा गया है, एंड आपको फ़ोन पे क्या क्या मिल जाता है ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पे इस साइड पे आपको वन प्लस नॉट देखने को मिलता है, ब्लैक बॉक्स 5G। तो हम सीधा बॉक्स को ओपन करेंगे, तो ये रहा बॉक्स, बॉक्स आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, अंदर एकदम ब्लू है, नीचे ब्लैक है, ऊपर पे ब्लैक है, तो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के साथ आपको वन प्लस का फ़ोन का बॉक्स देखने को मिलता है। ऊपर यहाँ पे आपका डिवाइस है जो कि हम साइड में रखेंगे, एंड ये जो है डिवाइस पे इसको हम साइड में रखेंगे। ये जो है ये बॉक्स डिवाइस के साथ आता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो हम इसको बाद में देखेंगे। तो उसके साथ साथ ये जो है टाइप सी पावर एडेप्टर है जो कि आपको इस बॉक्स में देखने को मिल जाता है, एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से क्लिप वगैरह लगा के लिए अगर आप कैरी करते हो तो आपको बहुत आसानी होगी इस टाइप से एडेप्टर को हैंडल करने के लिए। एंड उसके साथ साथ जो मेन चीज़ है भाई साहब, ये जो है इसका मेन चीज़ है जो कि है फ्रेंड
65 वाट का वर्क चार्ज, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है 65 वाट का वर्क चार्ज। एंड ये जो फोन बेसिकली आया था, ये आप सभी जानते हैं वन प्लस और ओप्पो मर्ज हो गया है, तो यहाँ पे वर्क चार्ज जो आता है ये ओप्पो का था, तो इसमें आपको ये देखने को मिल जाए, जो कि काफ़ी बढ़िया भाई ओप्पो का कि वन प्लस का हमें सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट से बात है। तो नीचे की तरफ ये तो निकलता नहीं है, तो हम इसको साइड में रखते हैं एंड इस पैकेट को खोलेंगे तो अंदर आपको मिल जाता है एक केस। केस काफ़ी मुझे बढ़िया लगा है एंड पीछे की तरफ आपको मैट डिज़ाइन देखने को मिल जाता है एंड केस की क्वालिटी जो है काफ़ी मुझे बढ़िया लगा है। देखेंगे फ़ोन के साथ कैसा लगता है, अब इसको साइड में रखते हैं एंड उसके साथ एक बॉक्स मिल जाता है, तो हम बॉक्स को खोलेंगे एंड ये रहा बढ़िया सा सिम इजेक्टर पिन जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड ये रहा आवर टीम, काफ़ी सारे इमोजीज आपको देखने को मिल जाते हैं। ये रहा मेंबरशिप कार्ड और ये रेड क्लब, भाई साहब ये तो क्रेडिट कार्ड की तरह है, प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड जैसा है और ये बेनिफिट आप ले सकते हो रेड क्लब का, तो इसको आप इस तरीके से ही रखने देते हैं। इसका हम यूजेस बाद में आपको बताएंगे। और ये है क्विक स्टार्ट गाइड, ठीक है, यहाँ पे है सेफ्टी इंफॉर्मेशन एंड फाइनली आपका वन प्लस स्टिकर, काफ़ी बढ़िया तरीके से यार वन प्लस का आपने स्टिकर दिया है एंड एकदम ट्रांसपेरेंट जैसा, क्वालिटी भी इसका काफ़ी बढ़िया है। तो एक रिटेल यूनिट में और आप क्या चाहते हो भाई, स्टिकर तो कोई भी नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें आपको ये बॉक्स में देखने को मिल जाता है, तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे, ठीक है। अभी आते हैं हम अपने मेन चीज़ की तरह, जो कि अपना फ़ोन, जिसको हम उतारेंगे। फ़ोन आपको दो वेरियंट में देखने को मिलता है, एक है ग्रे सिरे एंड दूसरा जो है वो ब्लू कलर का आता है, स्काई ब्लू, जो दोनों की तरफ है। इसका एक फंडा है मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ब्लू कलर का आता है वो एकदम लाइट, मतलब एकदम फ्रेश ग्लास जिसको आप कहते हैं, वहाँ पे कोई भी आपको एकदम चिकना ग्लास मिलता है। लेकिन ये जो फ्रेंस है, ये मैंने क्यों लिया, ये जो है ये एकदम मैड है, आप देख सकते हैं ये जो मैड है, यहाँ पे ये जो वन प्लस का लोगो है यहाँ पे कुछ फेब्रिक यानी कि रबर की जैसे लग रहा है, जब ये उंगली को ऐसे करते हैं तो अटकता है, तो लेकिन ये पीछे वाला जो पूरा मैड है देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, आपके सामने आप खुद देख सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे इसको बूट भी कर लिया है, ठीक है। एंड फोन को पूरा मैंने सेटअप कर लिया था, तो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ब्राइटनेस थोड़ा कम कर लेता हूँ भाई आपको दिखे, एंड फोन को जल्दी से हम ओपन कर लेते हैं, पासवर्ड आपको नहीं दिखाएंगे भाई। तो फ़ोन कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन होता है, वन प्लस है, ऑक्सीजन यूआई मिलता है काफ़ी बढ़िया, और सभी यूज़र्स को मैं कहना चाहूँगा कि भाई ऑक्सीजन यूआई तो सभी यूज़र्स को पसंद है और मुझे तो काफ़ी पसंद है ऑक्सीजन यूआई, ठीक है। तो मैं ब्राइटनेस और थोड़ा लूज़ कर देता हूँ कि आपको पता चले कि भाई स्किन कैसा है, तो इसका मैं पूरा एक रिव्यू अलग से बनाऊंगा, डिटेल रिव्यू, ठीक है। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा जो ऑफर्स मिलते हैं ऑफलाइन का वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको फ़ोन का पूरा फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। ऊपर की तरफ आपको एक नॉइस कैंसलेशन माइक मिलता है, लेफ्ट साइड में आपको जो मिलता है यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन, ठीक है। नीचे की तरफ आपको मिलता है सिम इजेक्टर पिन, जो कि डुअल नैनो सिम है, आप इसमें एसडी कार्ड नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है ये चार्जर एंड नॉइस कैंसलेशन माइक, उसके साथ साथ एक स्पीकर, ठीक है, सिंगल स्पीकर है। एंड राइट साइड में आपको देखने को मिलता है पावर बटन एंड ऑफ कोर्स वन प्लस फेमस की, ठीक है। अब इसको बढ़िया तरीके से हैंडल कर सकते हो, एकदम वाइब्रेशन मोड, रिंग मोड, एकदम बढ़िया तरीके से आप इसको यूज़ करते हो, तीनों मोड मिल जाते हैं, साइलेंस का शॉर्टकट, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिंगरप्रिंट आपको मिल जाता है यहाँ पे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत ही फास्ट काम करता है, ऑक्सीजन वॉइस के साथ देखने को मिलता है। आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि भाई जो रिटेल यूनिट मिलता है, ठीक है, जो रिटेल यूनिट मिलता है उसमें आपको पहले की तरह वन प्लस का जो अबाउट फोन सेक्शन है वो देखने को नहीं मिलता है, तो कुछ कुछ चेंजेस है, ठीक है, आपको दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा फुल रिव्यू के साथ। तो एक छोटा सा चीज़ मैं आपको दिखा, तो ओवरऑल फिर फ़ोन काफ़ी बढ़िया है, पीछे की तरफ आपको एकदम मैट फिनिश मिलता है, और एक चीज़ इस ग्लास जो है मैट ग्लास, उसको हम कवर लगा के देखेंगे भाई कैसा लगता है, कवर जो एकदम बहुत सारा टाइट फिटिंग है, मैं फोन को ऑफ करके लगाता हूँ एंड भाई कवर जो है बहुत बढ़िया है।
तो दोस्तों कवर आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है, पीछे की तरफ एकदम मैट सा लुक आपको देखने को मिलता है क्योंकि काफी बढ़िया लग रहा है। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि भाई इसमें आपको 3 पॉइंट जैक तो नहीं मिलता है, लेकिन मुझे बॉक्स में आपके सामने मैंने दिखा मुझे कोई एडेप्टर भी देखने को नहीं मिला है। शायद एडेप्टर नहीं आता इसका साथ रिटेल यूनिट में, वो तो हमें पता नहीं, लेकिन रिटेल यूनिट में शायद नहीं आता और हमको भी नहीं मिला है। ठीक है, ऑनलाइन यूनिट में शायद आता होगा, लेकिन रिटेल यूनिट में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलता, तो ये आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये जो कवर है आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आपको एजेस देखने को मिलता है जिसके वजह से ये अगर ऐसे गिर जाए तो आपका जो स्क्रीन है वो बढ़िया तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे और एक चीज़ आपको भी ऑफर्स के बारे में बता दो, अगर आप इसको रिटेल यूनिट में खरीदने जाते हो तो आपको दो ऑफर देखने को मिलेगा। एक है फ्रेंड्स यहाँ पे HDFC का क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको 1200 समथिंग का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। एंड दूसरा जो ऑफर है वो डायरेक्ट वन प्लस की तरफ से आता है, जो कि है वारंटी एक्सटेंशन का भी आपको एक देखने को मिलता है। काफ़ी महंगा फ़ोन है, वारंटी एक्सटेंशन कंपनी ने प्रोवाइड किया ऑफलाइन पे। अगर आप 699 पेमेंट करते हो तो आपका 1 साल का वारंटी एक्सटेंशन हो जाएगा। और बेसिकली मुझे ऐसा लगता है सभी को ये कर लेना चाहिए, काफ़ी महंगा फ़ोन है तो आपको ये सभी जो एक्सटेंशन है सभी को लेना चाहिए। ऑनलाइन पे आपको ऐसे एक्सटेंशन देखने को नहीं मिलता, अलग से कंपनी आपको ये जो एक्सटेंशन है यानी कि जो वारंटी है वो प्रोवाइड करता है, लेकिन वन प्लस की तरफ से जो ओरिजिनल एक्सटेंशन है कंपनी की तरफ से वो आपको देखने को नहीं मिलता है। तो फिर ओवरऑल इस वीडियो में आपको ये सभी कुछ बताना था, फ़ोन काफ़ी बढ़िया है या फिर नहीं है पूरा कंप्लीट एक रिव्यू करूंगा, आपको बताऊंगा कैमरे से लेकर हार्डवेयर से लेकर सब कुछ मैं आपको डिटेल रिव्यू दूंगा। और एकदम ओरिजिनल रिटेल यूनिट है तो शायद से इसका जो रिव्यू होगा वो जेन्युइन होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको क्या चाहिए एकदम रिव्यू तो ज़रूर से कमेंट कीजिए। वीडियो को पसंद से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, स्टे ट्यून करके रखिए नेक्स्ट रिव्यू के लिए। कंप्लीट रिव्यू होने वाला है, वीडियो बहुत ही खास होने वाला है एंड ये कल ही लॉन्च किया था 26 को और अभी 27 को ये मेरे पास है। यहाँ पे देख सकते हैं 27 जुलाई और रात के कुछ 22:28 बजे है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल रिव्यू में आपको सारे बता दूंगा, तो और फिर वीडियो को पसंद से लाइक, चैनल को पसंद सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना। तो उससे नहीं मिलता हमारे अगले वीडियो में।